आप सभी का क्राइम फ्री भारत में स्वागत है और हम अब थोड़ा सा शॉर्ट मीटिंग का रिवाज रखेंगे क्योंकि लंबी मीटिंग की जो वार्तालाप है अल्टीमेटली चूंकि हम इसे एनर्जी मानते हैं और इस एनर्जी का जब तक कोई सुनेगा नहीं तब तक उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, लिहाजा वी हैव टू रियली मेक इट श्योर दैट वी फिनिश इट फास्ट। मेरा सोचना यह है कि हमारे सभी सदस्य दे शुड रियली सब्सक्राइब क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल बिकॉज दैट इज द मदर चैनल जहां पर अपन सबसे पहले चीज को अपलोड करते हैं। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इस समय क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनको समझना भी बहुत जरूरी है और जस्ट फॉर ए ग्रेटर कन्विक्शन फॉर ग्रेटर कमिटमेंट एंड ग्रेटर एनर्जी लेवल। एक बात मैं हमेशा बार बार दोहराने की कोशिश करता हूं कि जो ध्येय है वो बहुत बड़ा है और हम में से अधिकांश लोग अपनी स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। जिनसे मेरी 1-to-1 बात हुई, जैसे चोपड़ा साहब से हमारी बड़ी लंबी 1-to-1 बात हुई है, मिस्टर अली से नहीं हुई है, तो जिनसे भी मेरी 1-to-1 बात हुई है उनको मैंने वो बात जरूर समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा ग्राउंड जो लेवल का जो वो है वो हम में से अधिकांश लोग इस घुट्टी को पिए हुए हैं कि हमें 1947 में आजादी मिल गई है। हमें इस बात को समझना ही होगा तभी हम क्राइम फ्री भारत को सही मायने पे जमीन पे उतारना चाहेंगे कि आपको आजादी नहीं मिली है, देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर, गोरे अंग्रेजों ने अपने चुने हुए व्यक्ति को ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया एंड जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट योर चूजन पर्सन बिकॉज ही गॉट द जीरो मार्क्स जीरो वोट इन वर्किंग कमेटी, स्टिल ही कुड मैनेज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द वर्किंग कमेटी एंड लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीजन ही वॉज अंडर ऑब्लिगेशन, उनके ऊपर ये वो था तो जिसका उन्होंने अंग्रेजों को भर भर के उपकृत किया। अब वो बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूंगा कि ये सब चीजें जो वीडियोज में अवेलेबल है उनमें बात करेंगे और जहां कहीं संशय होगा तो वो हम टीच मिंट ऐप में 1-to-1 डायलॉग करेंगे, 1-to-many डायलॉग करेंगे क्योंकि उसमें क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग इज बेटर। इसमें जो है चैट बॉक्स भी दिख रहा है, इसमें हम लोगों के जो फोटोज हैं वो भी छोटे दिख रहे हैं, दैट इज नॉट रियली डूइंग वेल राइट। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रॉब्ली इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं आता है और आपने देखा होगा कि वो फोटो फ्रेम भी जो है वो एकदम वर्टिकल आता है, बाकी स्पेस खाली रहता है, जबकि यदि ये यही चीज यदि लैंडस्केप में हो तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। तो व्हाट आई वुड लाइक इज दैट 1-to-1 डायलॉग इंस्टेड ऑफ डूइंग विद फ्रॉम द आवर ऐप दैट इज क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, आई थिंक वी विल प्रिफर टू डू इट ऑन द टीचमेंट ऐप और वी कैन इवन गो फॉर द स्ट्रीम यार्ड लाइक ऑप्शन जो जनरली हम करते हैं, तो उसमें और भी बेटर जो है ना ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों से एक तो अनुरोध ये करूंगा कि जिन्होंने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और दूसरा निवेदन ये करेंगे कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल में वो मत देखें जो यूट्यूब आपको परोस रहा है। आपको जो है क्राइम फ्री भारत चैनल देखने का मैं एक तरीका बताता हूं, देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आपको जो यूट्यूब परोसता है वो अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से परोसता है राइट।
तो इसको हम YouTube जो परोस रहा है उसके हिसाब से ना देख के चैनल क्या परोस रही है उसको देखें। तो उसका देखने का तरीका मैं आपको समझाता हूं, बड़ा सिंपल है कि आप YouTube के सबसे नीचे देखेंगे तो सेंटर से राइट साइड की तरफ जो पहला आइकॉन है उस पर लिखा है सब्सक्रिप्शन। तो यदि हम सब्सक्रिप्शन पर ट्रिगर करेंगे तो ऊपर जो है सभी चैनल जो भी आपने सब्सक्राइब की हैं वो सब चैनल दिखाई देंगी, राइट। तो उसमें जब आप क्राइम फ्री भारत को चूज करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको क्राइम फ्री भारत और उसके जितने वीडियोज हैं कम्युनिटी पे क्या दिया है, दैट इज एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल क्रोनोलॉजिकली विच यू कैन सी एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर प्रेफरेंस, राइट। दैट इज द वन थिंग। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो जोड़ने का काम करें, देखिए इस मॉडल की बहुत स्ट्रेंथ है। जैसे अपन क्राइम फ्री मिशन की अकेली बात करें, जिसको हमने कल की मीटिंग में, यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखने का आपको समय मिला है, हालांकि वो लंबा वीडियो है, हमने उसमें एक्सप्लेन किया है, और ढेर सारे और जो है ना वीडियोज अवेलेबल हैं जिसमें क्राइम फ्री मिशन कैसे 5 सर्टेनिटी को अचीव करेगा ये बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो एज ए स्ट्रेंथ वो मॉडल बहुत पावरफुल है और 45 डेज में विद सर्टेनिटी आपको न्याय दे रहा है। और फिर जो है उसका जो चौथी सर्टेनिटी है जिसमें कि हम जो है सर्टेनिटी और प्रिवेंशन पे जा रहे हैं, जहां पे हम स्मार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से अधिकांश अपराध को घटित होने के पहले रोक पाएंगे। इट इज ए माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। एंड फाइनली जो अपराधी है उसको रिहैबिलिटेट कर देंगे, तो नंबर ऑफ द क्रिमिनल्स अवेलेबल टू कमिट क्राइम दैट विल गो सब्सटेंशियली डाउन। तो कुछ जो है जो ड्रिलेक्शंस होंगे, कुछ जो एवरेशंस होंगे, क्राइम केवल उतना ही होगा या रिएक्शनरी क्राइम होगा। और जो रिएक्शनरी क्राइम होगा वो क्राइम भी यदि आप 45 डे में सर्टेनिटी के साथ जस्टिस देते हैं तो देयर विल बी स्लोली बिल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट इन द सिस्टम। हमारे सिस्टम में विश्वास जनरेट होगा जिसके कारण लोग बाग कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लोग बाग जो है रिएक्शनरी क्राइम खुद नहीं करेंगे। दे विल प्रिफर टू रिपोर्ट इट, दे विल प्रिफर कि जो प्रॉपर सिस्टम है दैट शुड टेक केयर ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड। तो ये बहुत पावरफुल सिस्टम है और उस पावरफुल सिस्टम को हमें जो है ग्राउंड पे उतारने में कायदे से सरकार को बहुत रुचि होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पूरी पॉलिटिकल सिस्टम ही एवरेशन पे है तब जो है ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी भी जो है हम गुलाम हैं एंड देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। और यही कारण है कि गुलामों के सभी नियम आपके ऊपर थोप दिए गए हैं और गुलामों की जो के लिए जो लॉर्डशिप व्यवस्था बनाई गई थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी है, वो लॉर्डशिप के साथ में है विथ नो अकाउंटेबिलिटी, ऑलमोस्ट जीरो अकाउंटेबिलिटी। यदि वो डिसीजन ले तो ठीक है, ना ले तो ठीक है। तो वी आर एट द रिसीविंग एंड, एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमने पॉलिटिकल सिस्टम लाए हैं थ्रू द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 वो भी बड़ा फॉल्टी है, क्योंकि उसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां जन्म ले रही हैं वो प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट पार्टी बन गई हैं। उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी और पार्टी के डिसिप्लिन के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनको लाभ तो भर भर के दिए गए हैं लेकिन उन्हें अकाउंटेबल नहीं बनाया गया है, उन्हें नेशनलिस्ट नहीं बनाया गया है, उन्हें वो लक्ष्य नहीं दिया गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो राष्ट्र विरोधी नहीं होगी। इसलिए आज लोग भर भर के राष्ट्र विरोधी काम करते हैं और राष्ट्र विरोधी काम करने पे उन्हें राष्ट्र विरोधी शक्तियां सपोर्ट करती हैं और उन राष्ट्र विरोधी शक्तियों के माध्यम से वो
सत्ता में भी आ रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अब इसमें अपने पास केवल एक ही विकल्प है कि या तो हम अपने चुने हुए राजनेताओं को कन्विंस करके वो बदलाव पार्लियामेंट के माध्यम से लाएं, और यदि हमारे राजनेता जिनको हमने चुना है, जो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो व्यवस्था में आपको उन्हें पराजित करने की स्थिति में होना चाहिए, और आप उन्हें पराजित नहीं कर पाएंगे फॉर वेरी सिंपल रीजन कि हम लोग बटे हुए हैं, हमारे 3000 तो जो है ना पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, राइट। तो ये पार्टियां जो रजिस्टर्ड हैं ये किसी का भला नहीं कर पा रही हैं। हमारे लोग अपने आइसोलेटेड डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर डायमेंशन में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो छोटे छोटे काम हैं उसका नेशनल इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। तो अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि हम सब लोगों को जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें, हम उनकी नेगेटिविटी को दूर करके उनको सकारात्मक बना के उनको केवल एनर्जी लेवल पर जोड़ लेना है, और जो वो काम कर रहे हैं उसमें जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं हम सपोर्ट कर सकते हैं, कम से कम जो है पीछे खड़े होकर एनर्जी लेवल का जो सपोर्ट है वो उनको दे सकते हैं, जिससे वो अपना जो भी काम कर रहे हैं उसका उनके काम का भी जमीन पर इम्पैक्ट बढ़ेगा। और हम संयुक्त ऊर्जा से बहुत जल्दी जो है जो 100 करोड़ का लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। थ्योरेटिकली ये बात मैंने कई बार समझाई है, कई वीडियोज में है वो, कि कैसे हम मात्र 9 दिनों में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें प्रिजम्पशन ये है कि जिन लोगों को हम जोड़ेंगे उन्हें 9 दिन तक संकल्पित होकर अपने प्रभाव क्षेत्र के 10-10 लोगों को जोड़ना है। वहां हमने ये भी समझाया है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में अकेला लोहा नहीं है जो चुंबकीकृत होकर जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को चुंबकीकृत करेगा, हमारे प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे पत्थर भी हैं, और उन पत्थरों को हमने इसलिए बताया है कि जब आप पत्थरों से टकराएंगे, पत्थरों से इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको निराश और हताश नहीं होना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इंटरनल एटीट्यूड में जो है ना जीतने का जज्बा होना चाहिए, हारने का जज्बा नहीं होना चाहिए। लिहाजा जो पत्थर का कॉन्सेप्ट हमने समझाने की कोशिश की है वो बहुत जरूरी है समझना, कि वो लोग हमारे लिए पत्थर जैसे हैं जिन्होंने जो आज की व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं उन्हें इस व्यवस्था को बदलने में धैले भर की रुचि नहीं है। चूंकि वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत समझदार हो सकते हैं, बड़े पदों पर हो सकते हैं, लेकिन वो इस व्यवस्था में बदलने में उनकी कोई भी रुचि नहीं है, लिहाजा वो हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं। और दूसरे पत्थर वो हैं जिनके जमीनी अनुभव बहुत खराब हैं, उन्होंने चारों तरफ से धोखा खाया है, जिन्होंने चप्पलें घिसी हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला है, और वो जो है अब निष्क्रिय होकर उन्हें लगता है कि वर्तमान व्यवस्था में, वर्तमान राजनीति में कुछ भी अच्छा भारत में नहीं होगा, एक सगुफेबाजी होती रहेगी, एक ड्रामाबाजी होती रहेगी, एक वोट पॉलिटिक्स होती रहेगी, और सही चीज जो है ना ग्राउंड पे नहीं होगी, और नेगेटिव शक्तियां जो है वो हावी रहेंगी। तो ऐसे लोग जो है निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं, और इन पत्थरों से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम चारों तरफ से ऊर्जा का निर्माण कर पाएंगे तो उस संयुक्त ऊर्जा से ये सभी पत्थर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए ये ना केवल ऊर्जाकृत होंगे बल्कि ये सीधे महाऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट होंगे। और उसके लिए हम जनरली कबीरदास जी के दोहे का सहारा लेते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ से इन पत्थरों पर जो है ऊर्जा बम्बार्डिंग होगी और उनको लगेगा कि ऊर्जा में तो बहुत फायदा है, तो ये सब पत्थर जो है ओवरनाइट जो है वो ऊर्जा के केंद्र बन जाएंगे, और उस समय जो है आपकी संयुक्त ऊर्जा जो है पूरे भारत की पॉपुलेशन के बराबर होगी,
चाहे उस समय वो 140 करोड़ हो या 145 करोड़ हो, हम जो है उस 140 और 145 के आंकड़े तक भी पहुंच सकते हैं। अब जो है मैं आप लोगों को सुनना चाहूंगा, आप लोगों के क्या सुझाव हैं, क्योंकि मेरा तो एक ही सुझाव है, बाकी चीजें चाहे वो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की हो, चाहे वो नियम कानून के बनाने की हो, उनके ड्राफ्ट और उनकी सब चीजों पे जो कार्रवाई चल रही है वो धीमी चले या तेज चले, वंस आप एक निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे तो इसमें 3 महीने से 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, ये बात हम सबको समझना चाहिए। तो लिहाजा वो जो चाहे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, चाहे जो है नियम कानून के ड्राफ्ट बनाना हो, जब यदि आप जो है जब आप उस निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब आप पार्लियामेंट में पहुंचकर नियम कानून जो कि गुलामों के लिए बनाए गए हैं, जो कि व्यवस्था लॉर्डशिप के साथ गुलामों के लिए बनाई गई है, और जो राजसत्ता है जो कि आपके वोट से तो जीत के आती है मूर्ख बनाकर, लेकिन वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। पिछली बार मैंने कल ये भी समझाने की कोशिश की थी कि दिस फोरम इज ओपन फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग द पीपल दोज हु आर इन एक्टिव पॉलिटिक्स एंड दे आर पार्ट ऑफ द पार्टी। हमें उनसे कोई परहेज नहीं है। हमारा कहना ये है कि आपने यहाँ ऊर्जा से काम किया और आपको जो है प्रतिष्ठा पॉइंट हाईएस्ट हैं और आपकी पार्टी भी आपको टिकट दे रही है। अब अपन सबसे पावरफुल रूलिंग पार्टी को ले लें कि यदि आप बीजेपी को बिलोंग करते हैं और आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन तो केवल एक बात कह रहा है कि ऊर्जा को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, जिससे कि संयुक्त ऊर्जा से हम बदलाव ला सकें, राइट। अब एक मिनट के लिए अपन मान लें भाजपा का, हम इसलिए जानबूझ के बार बार कह रहे हैं क्योंकि भाजपा अभी सत्ता में भी है और लोग बाग भाजपा से जोड़ने में ज्यादा लाभ देख रहे होंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि एक भाजपा का कार्यकर्ता है, वो भाजपा की पार्टी में भी अच्छा काम कर रहा है और उसने एनर्जी से लोगों को जोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तो उसे हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट भी मिल गए हैं। नाउ हम तो अपने प्रतिष्ठा पॉइंट से बंधे हुए हैं, तो हम उसको ऑफर देंगे ही कि भाई आपके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा हैं आपके क्षेत्र में और आप जो है यू आर ए पात्र जो है कि जिसको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री टिकट मिलना चाहिए। अब मान लेते हैं कि उसे बीजेपी से भी टिकट मिल जाता है, राइट। नाउ इट इज फॉर हिम टू डिसाइड कि वो भाजपा की तरफ से खड़ा होना चाहता है या क्राइम फ्री भारत मिशन को रिप्रेजेंट करके खड़ा होना चाहता है, और यदि वो भाजपा से खड़ा होता है तो उसे वही गंदगी वाली जो ना प्रक्रिया के थ्रू गुजरना होगा, जो ड्रामा नाटक के थ्रू गुजरना होगा, जबकि वो क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से जाता है, तो हमारा जैसा सोच है कि हम संकल्प के आधार पर थाली बजाकर और दीपक जलाकर इस जो संकल्प को चुनाव के समय तो हर दिन री इन्फोर्स करेंगे, और जब संकल्पित व्यक्ति जो है वो अपने महाऊर्जा केंद्रों को जिनके पास सबसे अधिक जो है प्रतिष्ठा पॉइंट्स हैं उनको बिना चुनाव प्रचार के जिता पाएगा, तो अब ये व्यक्ति को देखना है कि उसे कौन सी चीज अच्छी लग रही है। यदि अज्यूम करिए कि वो भाजपा के टिकट के लिए जो है वो होता है, तो हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है, हम उससे जो कम वाला जो व्यक्ति है जिसके प्रतिष्ठा पॉइंट नेक्स्ट हैं उसको जो है ना टिकट दिया जाएगा, और हम संकल्प के आधार पर अपने जो व्यक्ति को जिसको खड़ा करेंगे उसको जिता भी पाएंगे, क्योंकि आप इस चीज को जमीन पे तभी उतार पाएंगे जब आप कानून के मंदिर पार्लियामेंट में पहुंचकर उस बदलाव का रास्ता जो है ना प्रशस्त करने की ताकत हासिल कर लेंगे। नहीं तो आपकी स्थिति लोकपाल एक्ट जैसी होगी कि दबाव में जो है बना भी लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप जो है देखिए 2019
2014 में कानून बन गया, 2019 तक किसी को लोकपाल बनाया ही नहीं गया। मार्च 2019 में लोकपाल बनाया गया और आज 3.25 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं जिससे भी पूछता हूं वो है बताता है कि हमें जो है ना अपने लोकपाल महोदय का नाम नहीं मालूम है। तो यदि हमें अपने लोकपाल का महोदय का नाम ही नहीं मालूम है तो ऐसा कानून बनाने से क्या फायदा है और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? यदि एक बड़ी सोच ने इस बात सोचा था और एक महाजन आंदोलन हुआ था और ये सोच के हुआ था कि हम जो है इसके रास्ते से देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, तो या तो हमारी सोच में फर्क था या हमारे राजनेताओं ने जो कानून बनाया है उनमें फर्क है या उस काम के लिए जिसे चुना गया है उसमें कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी कहीं पे भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप में स्वयं ताकत नहीं है तो पक्की व्यवस्था वाला जो है चीज आप जमीन पे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि यह जो लोग हैं यह सत्ता में काबिज होने के लिए हैं। यह जो है रातों रात भ्रष्ट तरीके से अमीर होने वाले लोग हैं। ये चुनावों में बहुत खर्च कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए चिंतित होना ही पड़ेगा। तो इनकी ये मजबूरी है कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर अपने हाई कमांड को भेजेंगे, अगले चुनाव के लिए खर्च करेंगे। तो वो एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है वो बिना फाइनेंस का वाला मॉडल है, और यदि थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत होगी और यदि आपसे 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं तो आप 10 रुपए भी यदि मांगेंगे तो आपके पास 1000 करोड़ पहुंच जाएगा, और आज की डेट में 10 रुपए तो जो है आपको भिखारी भी दे देगा। तो पैसा जो है क्राइम फ्री भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और आगे चल के तो हम नियम कानून में और वो व्यवस्था ही करेंगे कि एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट विल बाउंड टू बी द, बिकॉज इट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी एंड इट इज वेरी वेल डूएबल। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये तो धन बल के आधार पर ही सरकार बनाना चाहेंगे और धन बल के आधार पर जो है वो जीतना चाहेंगे। मैं एक बड़ा छोटी सी एनालिसिस आपको देता हूं, इसके बाद जो है हमको इमीडिएटली चूंकि मीटिंग को समेटना है तो 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की बात सुन के मीटिंग को समेट लें। आज आप यदि बारीकी से देखें तो चुनाव लोगबाग कैसे जीतते हैं, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इन सभी लोगों ने अपनी आईटी पार्टियां बना दी हैं, आईटी सेल बना दी हैं, जो मटेरियल को खुद भी तैयार करती हैं और उससे ज्यादा वो उनको स्काउट करती हैं जिन्होंने सोशल मीडिया और बाकी चीजों में ऑलरेडी एक अच्छी ऑडियंस पकड़ ली है। तो जैसे जो है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि, रश्मि जी नमस्कार, यू आर ऑलवेज वेरी एक्टिव, गुड। तो जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कि थैंक यू सर, आप हमेशा जो है लोगों को रोप इन कर लेते हैं, दूसरों के लोगों को जो ना पकड़ लेते हैं। यही काम जो है ना ये पॉलिटिकल पार्टी की आईटी विंग करती है, वो स्काउट करती है कि किसकी ज्यादा ऑडियंस है और उसको जो है ना उस पर अपने पार्टी का जो है ना ठप्पा बिना लगाए उसको अपने पेरोल पे ले आते हैं। और आपने ये देखा होगा कि सोशल मीडिया के बहुत सारे विंग जो है आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप को कितना ही इंडिपेंडेंट ना कहें। तो एक तो इनका जीतने का आधार है आईटी मैनेजमेंट, राइट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तीसरा पेड न्यूज छपवाते हैं इलेक्ट्रॉनिक में भी और मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी। आप ये देखिए जितनी भी टीवी डिबेट हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो किसी ना किसी पार्टी का पट्टा लगा के बैठे हुए हैं। मुझे बहुत लज्जा आती है, मुझे बहुत शर्म आती है जब हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो
कहना चाहिए कि राष्ट्रीयता का पट्टा कोई लगाए मुझे नहीं दिखता है। तो ये इस तरीके से कहा जाए कि वो ये जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन तीनों को धन के बल पे पकड़ लिया। अब तीसरी बात जो ये करते हैं, एक ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं और उसके लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, 500-500 जो है रुपए देते हैं, लंच डिनर और उसकी व्यवस्था करते हैं, उनको ढोने के लिए गाड़ियां लगाते हैं, और जिन लोगों को ढोके लाते हैं ना तो वो वहाँ के जो है ना वोटर्स होते हैं और ना ही वो उससे कुछ कन्विंस होते हैं, वो सियर पैसे के दम पर लाए जाते हैं। तो पैसे के दम पर आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी करके एक हवा क्रिएट करने का ये काम करते हैं। फिर जो है चौथा काम ये करते हैं, फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर और साड़ू बांटकर जो है वो जो है उस धन बल का, और फिर सब कुछ काम नहीं करता है। तो चूंकि बड़े संख्या में इन्होंने अपराधियों को टिकट दे दिए हैं, तो अपराधियों का भय भी काम करता है, और वो कई बार इतना ज्यादा काम करता है कि वो जेल के शिक्षे से भी जीत जाते हैं। तो ये जो सो कॉल हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हम चाहे इन्हें किसी भी कारण से क्यों ना चुन रहे हों, चाहे हमारी ही कमजोरी क्यों ना हो, चाहे हमारी गरीबी वाली कमजोरी क्यों ना हो, ये हमको जो है गरीब रखना और दारूखोर बनाना इनकी एक पॉलिटिकल मजबूरी है। यही कारण है, चाहे कहने के लिए आप ये कहें कि रेवेन्यू के लिए जो है ना शॉप खोल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, रेवेन्यू इज ओनली द वन आर्गूमेंट। उससे बड़ा जो आर्गूमेंट है वो ये है कि ये जो है आपको दारूखोर इन्हें बनाना इनकी वन ऑफ द मजबूरी है। जब वो आपको दारूखोर बनाएंगे तभी वो दारू के बोतल से आपका वोट खरीद पाएंगे, और आपको गरीब बना के रखना भी इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। यदि आप गरीब रहेंगे तभी जो है ये आपके वोट जो है ना फ्रीवी के आधार पर, पैसे के आधार पर खरीद पाएंगे। अब हम पूरी बात देखें तो ये बात समझने की है कि जो भी कारण रहे हो, वोट तो हमने दिया है, तो हम ये कह रहे हैं कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वो हमारे वोट से जीत तो रहा है लेकिन वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे जरूर टोकिए। वो जो है हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक अत्यंत ही डरा हुआ प्राणी है। वो पार्लियामेंट के अंदर जो डरा हुआ है, वो डरा हुआ है पार्टी व्हिप से, क्योंकि यदि वो पार्टी के अगेंस्ट जाएगा तो उसकी प्राइमरी मेंबरशिप ही गायब हो जाएगी। और दूसरा जो है वो डरा हुआ है पार्लियामेंट के बाहर भी, क्योंकि उसे पार्टी डिसिप्लिन के डंडे का डर है। और एक अप्रत्याशित डर और बड़ा है, उसे लगता है कि हमारी जो है ना प्लेट में जो भी टुकड़े डाले गए हैं कहीं वो वापस ना उठा लिए जाएं, जो थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है, चाहे वो मंत्री पद का हो या दूसरे पद का हो या कहीं कॉरपोरेशन का अध्यक्ष का हो, जो भी थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है वो कहीं लाभ ना छुड़ा लिया जाए, इस भय से भी वो ग्रसित है। ये उसकी औकात नहीं है कि वो आपको रिप्रेजेंट करे। दूसरी बात ये है कि ना उसकी सोच है, ना उसकी समझ है, ना उसकी शिक्षा है, तो वो जो है पैसा खर्च करके आता है। डे वन से उसका एक ही काम होता है कि कैसे अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करे, कैसे रातों रात हम अमीर हों। यदि मैंने ये एनालिसिस की, इस बात से आप किस हद तक सहमत हैं ये बताइए मुझे। टोटली सर। मिस्टर अली जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर चौहान तो कैन आई से समथिंग सर? हाँ जरूर कहिए, जरूर कहिए। सर पहले तो मुझे ये बताने में अपना पर्सनल फक्र होता है कि आई एम टोटली अ पॉलिटिकल पर्सन एंड
आई टोटली बिलीव इन द आई थिंक आई हैव यूज्ड माय राइट्स बाय नॉट वोटिंग. आई टिल डेट नॉट वोटेड इवन वंस बिकॉज आई बिलीव. लेकिन ये ऑप्शन आपका जो है ना दी मैथिली शरण गुप्त की चलेगी तो दिस ऑप्शन नो सिटीजन विल बी हैविंग इन फ्यूचर. जानते क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे आपका फंडामेंटल राइट है ऐसे ही आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, प्रिंसिपल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है. आपको वोट दे के अच्छे व्यक्ति को चुनना ये सर दैट इज द प्रॉब्लम. सर दैट इज द प्रॉब्लम. एक डाकू है, एक चोर है, एंड आई नो वो लोग क्या है. मैं उनको कैसे वोट दे दूं? आई कैन नॉट इलेक्ट देम एज माय लीडर्स. आई कैन नॉट फॉलो देम. व्हाई शुड आई वोट फॉर देम व्हेन आई नो दे आर करप्ट, व्हेन आई नो दे आर गुंडास, when I know they are rapists and whatever, so why should I vote for them? Why should I waste my vote? लेकिन उस वेस्ट को सुरक्षित करके आप जो है दूसरे लोगों को जो आपसे कम समझदार हैं एक गंदे व्यक्ति को चुनने का मौका दे रहे हैं. सर सारे ही तो गंदे हैं. अच्छा नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि ये जिन लोगों को चुनते हैं वो अच्छे लोगों को ना चुनना इनकी मजबूरी है. यदि मैथिली शरण गुप्त जो है एक साधारण औसत बुद्धि के व्यक्ति है तो मैथिली शरण गुप्त की ये मजबूरी है कि यदि वो अपनी पकड़ रखना चाहते हैं तो व्यवस्था में मैथिली शरण गुप्त से ज्यादा ब्राइट आदमी नहीं आना चाहिए, ज्यादा योग्य आदमी नहीं आना चाहिए. यही प्रॉब्लम है. तो हम हमेशा कहते हैं कि ये चुनाव जिन रिप्रेजेंटेटिव का जिनको आपके ऊपर थोपते हैं उनका चयन करने के इनके 5 आधार हैं. मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि कहां तक आप इस बात से सहमत हैं. पहला मेरे नजर में जो आधार है वो पैसे का आधार है, राइट? तो जो ज्यादा पैसा देगा उसको टिकट दे देंगे. तो यदि चौहान साहब जो है ना 100 करोड़ दे रहे हैं और मैथिली शरण गुप्त जाके 125 करोड़ दे देंगे तो चौहान साहब का टिकट कट जाएगा और मैथिली शरण का टिकट बन जाएगा, राइट? पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है कि पार्टी के जो आका लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके बच्चों के तो टिकट पक्के ही पक्के हैं, राइट? तो वो चाहे उनमें पप्पू हो, चाहे कुछ भी हो, वो उनको तो टिकट मिलना ही मिलना है. चाहे वो दिमाग से पूरी तरह से 100% पैदल क्यों ना हो, चाहे उन्हें प्रैक्टिकल समझ हो चाहे ना हो, चाहे देश के लिए कोई उनकी सोच हो चाहे ना हो, उनको टिकट जो है ना मिलना है. तो दूसरी कैटेगरी का हो गया है. फिर तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो दूसरी पार्टी के लोग जो जिनको लगता है कि उन्होंने वहां तो बहुत दाना पाना चर लिया है, अब वहां पे घास सूख गई है, अब सत्ता का सुख भोगना है तो पार्टी बदल लो. तो ये लोग जो है जब पार्टी बदलते हैं तो दूसरी पार्टी वाले उनको एकदम पकड़ लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और उनको मंच पे बिठाते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, उनको टिकट भी देते हैं और उनको मंत्री पद भी देते हैं. ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और उसके कारण जो है ना जो मेन प्रॉब्लम है कि जो कार्यकर्ता है जो वर्षों से लगा है उसके प्रति आप अन्याय कर रहे हैं. आप मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि भाई अंदर से भीतर घात हो गई और आपकी पार्टी के व्यक्ति उनको जो टिकट मिलना चाहिए थे वो लोगों ने इंटरनली सपोर्ट नहीं किया, भीतर घात होने के कारण वो हार गया. मैं तो कह रहा हूं आपने तो खुल्ला खुल्ला घात कर दी है. जो व्यक्ति 30 साल से लगा हुआ है उसको नजरअंदाज करके आप किसी बाहरी व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं तो ये गलत बात है. अच्छा, अब चौथे व्यक्ति जो मुझे लगते हैं तो जाति और धर्म के आधार पर जिन लोगों की जीतने की संभावना है लेकिन साथ में उनका अयोग्य होने का सर्टिफिकेट भी चाहिए. जो जाति और धर्म के आधार पर जीतने की संभावना रखने वाले अयोग्य लोगों को चुना जाता है क्योंकि योग्य लोग हमारी अथॉरिटी के लिए खतरा बन जाएंगे, इसलिए योग्य व्यक्तियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए. और धोखे से यदि किसी योग्य व्यक्ति को टिकट मिल गया तो जैसे ही ये समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत उछकने कूदने वाला बंदा है, उसको किनारे लगा दिया जाएगा और अगली बार तो उसे टिकट 200% नहीं मिलेगा क्योंकि वो भूल जो है एक बार हो गई सो हो गई, अगली बार वो भूल नहीं होगी. डू यू एग्री विथ मी? अब जो है
पांचवी कैटेगरी है जो कि इसको क्लोज कर रही है, इसके बाद और कोई कैटेगरी नहीं है। वो कैटेगरी ये कहती है कि सेशन साहब के पहले तो गुंडों को सीधे यूज किया जाता था, राइट, और सेशन साहब के बाद चूंकि गुंडों का यूज करना मुश्किल हो गया है, लिहाजा जी रामगोपाल जी स्वागत है सर, जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। तो चूंकि जो है पहले गुंडों का यूज करके लोगों को पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाता था और एक दूसरी पार्टी उनका जो है ना बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोट डालती थी, सेशन साहब के बाद ये आना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया, इतने ऑब्जर्वर, इतना मीडिया, इतनी सारी चीजें हैं, तो इन राजनेताओं ने उसका बहुत अच्छा तोड़ सोचा। उन्होंने सोचा कि अपराधियों को सीधे ही टिकट दे दिया जाए, और उसको दूसरे तरीके से कहें तो अपराधी भी जो है समझदार हो गए कि तुम जब मेरी औकात से जीत रहे हो तो भैया मैं ही क्यों ना सीधे जीत जाऊं। तो वो दोनों तरीके से उसको कह सकते हैं, लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि जो अपराधी है उसको प्रेफरेंस मिलने लगा, और यही कारण है कि आपकी पार्लियामेंट जो अभी वर्तमान में है उसमें 42% क्रिमिनल हैं और 29% तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। आपके जान के आपको ताज्जुब होगा, जो यूपी की विधानसभा अभी गठित हुई है उसमें से 403 में से 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। मतलब अब जो है मेजॉरिटी ऑफ द क्रिमिनल्स दे आर द लॉ मेकर, और वही मंत्री बनेंगे और वही सब कुछ बनेंगे। और मैं तो कहूंगा आदित्यनाथ जी को थोड़ा सा जो है ना मैं श्रेय देना चाहूंगा, कौन के रहते इन अपराधियों को ज्यादा कुछ नंगा नाच करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप उनको बाहर कर दो तो उत्तर प्रदेश में क्या नंगा नाच होगा ये हम और आप देख के कांप जाएंगे, क्योंकि जो क्रिमिनल है उसकी सोच और मेंटेलिटी वही बनी रहेगी। अभी वो भय के कारण ना कर पाए वो बात अलग है, ये मेरे आकलन में थोड़ी सी गलती हो सकती है, लेकिन क्या आप सहमत हैं जो मैंने पांच तरीके के लोगों को जो ये वोट दे रहे जो वो कर रहे हैं वो जो है तो क्या बात है कुछ एक मिनट हाँ तो क्या आप लोग जो हमने एनालिसिस दी है आर यू इन एग्रीमेंट विद दैट एनालिसिस? जो मैंने ये एनालिसिस दी है क्या आप इस लोगों इस एनालिसिस से सहमत हैं? अपना माइक्रोफोन सहमत है सर, बिल्कुल सहमत है सर। ठीक है, तो अब जो है जो हमारे चौहान साहब का जो एक दर्द था कि हम वोट किसको दें, आप वोट उन्हीं को देंगे ना जो पांच कैटेगरी के लोग होंगे, ये आपकी मजबूरी है क्योंकि आप तो वही खाना खाओगे ना जो आपको परोसा जाएगा, तो आपको खाने के लिए अच्छी चीज दी ही नहीं जाएगी। लिहाजा इस व्यवस्था को बदलने के लिए, भारत को अपराध मुक्त करने के लिए, चाहे कितना भी हम टेक्नोलॉजी, चाहे कितना भी कानून, चाहे कितनी भी फिजिबिलिटी क्यों ना ले आए, लेकिन एक बात हम सबको समझना होगी कि ये राजनीतिक परिदृश्य जो है उन कानूनों को, उन चीजों को, उन बदलाव को उनकी शक्ति तक नहीं आने देगा, क्योंकि यदि वो आ जाएंगी तो इनका जो है ना बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, उनका भ्रष्टाचार गड़बड़ हो जाएगा। लिहाजा उन्हें तो अपराध करना है, तो फिर अपराध विहीन जो है भारत उनको कैसे कबूल हो सकता है? तो या तो जो है आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाए जिससे कि आपके जो शंखनाद से आपकी थैली की जो बजाने की जो शक्ति और आवाज है उससे जो है उनके कान जो है बहरों के कान खुल जाएं और अंधों को दिखाई देने लग जाए, यही एक ऐसा विकल्प है जो उनको विवश कर सकता है। और इसमें जो है मैं आपके बेनिफिट के लिए बताना चाहता हूँ कि इसमें रामचरित
मानस की एक चौपाई का सहारा लिया गया है जिसमें इन तीन स्ट्रेटेजीज को कहा गया है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्ट्रेटेजी है। आपने जरूर सुनी होगी ये चौपाई, जो मेरे ख्याल से मैं अपेक्षा करता हूँ कि शायद सुनी होगी, जिसमें कहा गया है कि राम श्री राम जी को जो है लंका जाना है, माता जो है ना सीता को जो है वापस लाने के लिए, छुड़ाने के लिए रावण के चुंगल से, और सामने बड़ा समुद्र खड़ा हुआ है, तो 3 दिन तक भगवान राम उस समुद्र की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, और जब वो नहीं मानता है तो फिर इस चौपाई से रामचरितमानस में तुलसीदास जी राम की भावना का इजहार करते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय विन होए न प्रीत। तो वो भय पैदा करना पड़ेगा, और भगवान राम ने क्या किया, तो पहले अनुनय विनय और प्रार्थना की, राइट। दूसरा क्या किया, उन्होंने तीर लगा के निकाल के संधारण करते हुए कहा कि हे समुद्र, हे मूर्ख समुद्र, मैं तुझे सुखा दूंगा। जब बात सूखने पे आई, जब बात भय की आ गई, तो समुद्र जो है ना तत्काल प्रकट हुआ। उसने कहा हे प्रभु, ये मत करिए, इसमें ना तो मेरी प्रभुता रहेगी ना आपकी प्रभुता रहेगी, क्योंकि मेरी प्रभुता में आपकी प्रभुता है और आपकी प्रभुता में मेरी प्रभुता है, तो ये मत करिए। मैं आपको एक सरल उपाय बता देता हूँ, आपकी इस सेना में 2 बंदर हैं जो कि श्रापित हैं। वो जो जब ऋषि मुनि जो है अपनी पूजा करते थे तो उनके जो शंकर भगवान थे उनको वो उठा के जो ना समुद्र में फेंक देते थे, तो ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारे हाथ के फेंके गए जो पत्थर हैं वो डूबेंगे ही नहीं, वो तैरेंगे, राइट। तो उस श्राप का यूज करके नल नील ने फिर राम सेतु बनाया। तो उसी तर्ज पर हमें इनसे अनुनय विनय और प्रार्थना करना है, और यदि इस अनुनय विनय प्रार्थना को ये नहीं सुनते हैं तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आप जो है प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर, जो हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वाले महाऊर्जा केंद्र हैं, उन्हें अपने उम्मीदवार के बतौर जो है ना खड़ा करिए, और उनके फेवर में थाली बजाकर, दीपक जलाकर रोज जो है ना संकल्प कराइए, और उस संकल्प की शक्ति से जो है बिना चुनाव प्रचार के उनको जिताइए। अपने लोगों से ये भी कह दीजिए कि जो दारू बांटने आए, यदि आप दारू पीते हैं तो ले लीजिए, यदि कोई नोट बांटने आए तो आप गरीब हैं ले लीजिए, लेकिन वोट उसी को देंगे जो संकल्प के आधार पर, ऊर्जा के साथ पर भारत में बदलाव करने के लिए आ रहा है, जो भारत को अपराध मुक्त बनाएगा, जो भारत को जो है भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा, बल्कि वो भारत की सभी समस्याओं को ही खत्म कर देगा और बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि यदि हम पेपर करेंसी को हटा दें, माननीय जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने तो जो ना 500 और 1000 के नोटों को डिमोनेटाइज किया जा गया था, अब जो है हम उस डिजिटल पहुंच गए हैं जब आदमी फोन पे पे मजदूरी लेने लगा है, ये बड़ा बहुत ही हर्ष की बात है। और यदि हम साइबर क्राइम फ्री कर पहले कर लें, तो हमें अपने देश को पेपर करेंसी मुक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, और यदि हमने इस भारत को पेपर करेंसी मुक्त कर दिया तो हम इसे टैक्स मुक्त भी कर पाएंगे। आप ही मुझे बताइए, यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत हो गया तो क्या हवाला रैकेट होगा, होगा क्या? नहीं संभव है। आप मुझे बताइए, क्या पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा तो क्या भ्रष्टाचार संभव है? बिल्कुल कदई संभव नहीं है, क्योंकि मनी विल बी हैविंग इट्स ट्रेल। आपने भ्रष्टाचार किया और आप उसी दिन जो है जेल पहुंच जाएंगे 200% गारंटी से, स्पेशली यदि क्राइम फ्री भारत का मॉडल पीछे खड़ा हुआ है, जो बिना थाने जाए FIR दर्ज कर देगा, अपने टेक्नोलॉजी सपोर्ट से 15 दिन में चार्जशीट पुटअप करा देगा, और 30 दिन में सर्टेनिटी के साथ जो है न्याय करके उस व्यक्ति को जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो भारत में किसी की भी औकात नहीं है भ्रष्टाचार करने की, और हमें भ्रष्टाचार का ऑप्शन क्लोज करना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार का ऑप्शन कभी क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी तो जड़ें ही भ्रष्टाचार में हैं।
इन्हें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना है, ये रातों रात लोग अमीर हो जाते हैं तो इन्हें तो भ्रष्टाचार करने के लिए आ रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर नहीं करेंगे, मुझसे बात जरूर कर सकते हैं। और आप ये बताइए, आज जो है ना हर मिडिल मैन टैक्स से जो है ना पीड़ित है, वो कितने अच्छे दिन होंगे जब आपको टैक्स नहीं देना होगा और डेवलपमेंट के लिए क्राइम फ्री भारत जो है ना आपको 10 times ज़्यादा जो है ना मनी मुहैया करा देगा और 10 times मोर जो है ना मनी वुड बी अवेलेबल फ्रॉम पेपर करेंसी फ्री भारत ऑल्सो, क्योंकि देयर विल बी 2% ट्रांजेक्शन चार्ज, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल हैपन एंड दैट विल बी ए मच सब्सटेंशियल बिगर। मेरा ऐसा एस्टिमेशन है कि आज जो सरकार टैक्स और बाकी संसाधन से जो पैसा इकट्ठा कर पा रही है उससे 10 गुना ज़्यादा जो है वो पैसा इकट्ठा कर पाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। अब मैं इस बात को कह के बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन आप तभी कर पाएंगे जब हर तरीके के हर संस्था को, हर समाज सेवी संस्था को, हर प्रोफेशन के लोग को, हर जाति और धर्म के लोग को उनको ज्ञान करते हुए, उनको जागरूक करते हुए केवल ऊर्जा लेवल पे उनको जोड़ लीजिए। आप उनसे जो भी काम कर रहे हैं वही काम करने दीजिए, उनको अपना काम नहीं बदलना है। तो जो कोई समाज सेवा कर रहा है करिए, कोई खाना खिला रहा है खिलाइए, जिससे जो बन पड़ रहा है वो करते जाइए, हमारा पीछे से आपको सपोर्ट है, आपको कोई बदलना नहीं है, केवल एनर्जी लेवल पे हमको जुड़ जाइए। और जब हम कहें तो जिस मुद्दे पे ये गड़बड़ी करेंगे, जब जो है 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जलाकर और छोटा सा वीडियो चलाएंगे तो शासन और प्रशासन आपके विरुद्ध कोई गलत काम नहीं कर सकता है, उसकी हिम्मत नहीं है और वो 200% हार जाएगा। तो हमें जो है यदि ये लोग बदल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बदलते हैं तो उन्हें हारने के लिए भी तैयार होना ही पड़ेगा। Do you agree with me? Yes, sir. तो अब चूंकि इस मीटिंग को हम शॉर्ट रखना चाहते थे, इसके बाद भी ये मीटिंग का टाइम बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग एक एक मिनट में अपनी बात कहिए और फिर हम इस मीटिंग को समाप्त करें। तो रामगोपाल जी सबसे पहले आप ही कहिए अपनी बात। सर जो भी आपने कहा है इससे हम पूरी तरह से सहमत हैं और हम इस मिशन में शामिल हो चुके हैं, आप देख चुके होंगे, और हम अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ लग गए हैं। मीटिंग चलता है। ओके, अब आप बताइए, सभी मेंबर एक एक मिनट में अपनी बात कहना है। डॉक्टर दिलीप आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, अभी तो कल, आज तो न्यू मीटिंग है सर। अच्छा ठीक है। मिस्टर अली आप कुछ कहना चाहते हैं? कल फिर से ज्वाइन करेंगे, आज तो फर्स्ट टाइम है। चलिए अपन बाद में बात करेंगे, जब आप कंफर्टेबल होंगे तैयारी करके आइए। तो क्योंकि इस मीटिंग को लंबा नहीं होने देना है, कल ये मीटिंग बहुत लंबी हो गई थी। मिस्टर अफसर आपको कुछ कहना है? सर मैं क्या कहूंगा, मैं सर इतना कहना चाहता हूं कि इस मिशन में मैं पूरी तरह से जुड़ चुका हूं और सर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चाणक्य और आप चंद्रगुप्त की जो आपकी ये जो मिशन है वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। चलिए तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिनको जोड़ रहे हैं उनको ऊर्जाकृत करके संकल्पित जरूर करना है। यस सर, नहीं तो उनकी संख्या दिखेगी लेकिन जो ऊर्जा होना चाहिए, जो चंद्रगुप्त वाली ऊर्जा चाहिए जो उनको राजा बनाएगी, वो ऊर्जा नहीं होगी तो ये मिशन ठंडा ही पड़ा रहेगा। और हमें अपनी बात कहने में बिल्कुल भय नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल संकोच नहीं लगना चाहिए। ये बात मैं शायद रामगोपाल जी को भी अभी पिछली बार बता रहा था कि अब हम ज़्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं। जब जो है भारतीय उन अंग्रेजों के से लड़ाई लड़ रहे थे जिनके साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था,
जो न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें फांसी पे चढ़ा देते थे और हमारे लोग जो है ना उनको चुनौती देते हुए और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते थे, तब हम छोटे गुलाम थे। आज जब हमारे वोट पर सरकार बन रही है, आज हम बड़े गुलाम हो गए हैं। आज बड़े से बड़े व्यक्ति की औकात नहीं है कि वो मुंह खोल के सही बात कह दे। यस सर, सत्य बात कहने में बड़ों बड़ों को बहुत डर लगता है। ये बात सही है कि नहीं है? यस सर, हम बड़े गुलाम हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सर, हमें तो एक्साइटमेंट जैसा लग रहा है आपसे, क्योंकि हम इस चीज पे काम तो कर ही रहे हैं पहले से, लेकिन सर आप जैसे मतलब एक सपना जैसा लग रहा है सर, क्योंकि इस तरह से कभी अपॉर्चुनिटी कोई दिया ही नहीं था, और आज हमें लग रहा है कि आज जो आपकी ये सोच है ये काफी अलग है, ये कोई सोच ही नहीं सकता सर। आप बहुत महान है सर। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे महान मत बनाइए, हम सब लोग मिलके सामूहिक ऊर्जा से बदलाव की उम्मीद जो है वो शंख बजा दें तो हम मानेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। देखिए, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। यस सर। तो हम सब लोगों की मौत नियत है, हमें मरने की तिथि नहीं मालूम है, बस केवल इतना ही फर्क है। क्यों? लेकिन ये हर किसी को मालूम है कि मरना सुनिश्चित है, राइट? तो यदि हम लोगों का हित करते हुए, लोगों का भला करते हुए, वो बदलाव करते हुए, सही आज़ादी देते हुए और सही मायने में सभी लोग अपनी हिसाब से जी सकें और एक अच्छे सिस्टम के साथ जी सकें और गरीब कोई भी ना हो, खाने के लिए पेट किसी का खाली ना हो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि भारत की 140 करोड़ लोग जो है, जो हमारे पास योजनाएं हैं, वो 140 करोड़ हाथ कम पड़ जाएंगे। चाइना में आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, शायद चाइना से हमें लोगों को बुलाना पड़ेगा। इतना व्यवसाय पैदा किया जा सकता है और धन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेचर ने धन नहीं बनाया है, नेचर ने कॉस्ट नहीं बनाई है। ये धन और कॉस्ट को जीतने का हमने एक मॉडल डेवलप पैदा कर लिया है। वी कैन ओवरकम कॉस्ट, प्राइस एंड मनी। तो मनी का जो एक बड़ा मॉडल है, कभी विस्तार से समझाएंगे, आज की मीटिंग का वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यदि जो है हम सब लोग ऊर्जा के माध्यम से जुड़ के संकल्पित होके काम करेंगे तो हम 10 दिन के अंदर ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। लोगों की हिम्मत नहीं होगी बहुत ज़्यादा गलत करने की, और यदि वो मोटी चमड़ी करके बेशर्मी से कुछ गलती करेंगे तो उन्हें 2024 में पराजित होने के लिए आज से ही तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि वो हार 200% सुनिश्चित होगी। और एक चीज आप 100% मान लीजिए कि कोई भी बदलाव आप आंदोलन के माध्यम से नहीं ला सकते हो, बदलाव आपको पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून प्रोसेसेस में करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक देम ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, उनको लॉर्डशिप से हटा के उन्हें ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना होगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो। आई एम सेइंग कि जुडिशरी शुड बी देयर टू, जुडिशरी का काम है न्याय करना। यदि कोई ग्लेरिंग एग्जाम्पल्स के साथ, साक्ष्यों के होते हुए भी जानबूझ के गलत यदि निर्णय देता है तो हमारी सोच में उसे अपने डिसीजन को डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा, और यदि जज महोदय अपने डिसीजन को डिफेंड नहीं कर पाते हैं कि मेरे डिसीजन के ये आधार हैं और ये उचित आधार हैं, तो उन जज महोदय को कंपनसेशन देना होगा एंड इट माइट कॉस्ट हिम हिज जॉब। हमें इस डिग्री की अकाउंटेबिलिटी लाना होगी, हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
आप क्या इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर, सहमत सहमत हैं। तो मेरे ख्याल से चूंकि और कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं और मैं देख रहा हूं दर्शक दीर्घा से भी कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लिहाजा इस मीटिंग को अपन यहाँ इस संकल्प के साथ जो ना समाप्त करते हैं कि हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धरेंगे, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जागरूक करेंगे, ऊर्जाकृत करेंगे और पत्थरों को थोड़े समय के लिए उनके लिए छोड़ दीजिए, वो जब चारों तरफ से ज्योति पड़ेगी तो वो ऊर्जाकृत हो जाएंगे। जैसे ही आप ये महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति पत्थर है तो उसको थोड़ा सा किनारे करके जो ऊर्जावान लोग हैं, जो लोहा है, उसकी उम्र की चिंता मत करिए, उसके तजर्बे की चिंता मत करिए, केवल हौसले की चिंता करिए। वो किसी भी उम्र का हो, वो किसी भी उसका हो, उसको जो है आप ऊर्जाकृत करिए और उसको जोड़िए और उसको गाइड करिए कि वो हर दिन लोगों को जोड़े और प्रतिष्ठा पॉइंट को बढ़ाए, क्योंकि आने वाले समय में भविष्य में जो भी जिम्मेवारियां मिलेंगी वो प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर ही मिलेंगी। लिहाजा हर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा नाम हूँ तो भाई मुझे तो ये मिल ही जाएगा, मैं जो है ना फलाने नेता का बेटा हूँ, फलाने का बेटा हूँ, या मैं तो मैथिली शरण गुप्त को जो है ना व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो चूंकि उनका तो रोल रहेगा ही रहेगा तो हमें टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ टिकट से मतलब कोई भी जिम्मेवारी है, चाहे वो ब्लॉक की जिम्मेवारी हो, चाहे जिले की जिम्मेवारी हो, चाहे और कोई जिम्मेवारी हो, वो जिम्मेवारी तभी मिलेगी जब आप अपनी ऊर्जा लगाएंगे, जब आप अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेंगे, चाहे आपकी उम्र जो है 80 वर्ष हो, चाहे आपकी वर्ष उम्र 18 साल हो, चाहे आप बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति हो, चाहे आपको ढेले भर का जो है ना तजुर्बा ना हो, क्योंकि तजुर्बा और कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। वी आर नॉट डिवॉइड ऑफ द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो बना के रखे गए हैं जो रोज हम आपको परोस रहे हैं, राइट? तो अब ऊर्जा चाहिए, चंद्रगुप्त चाहिए, जो ग्राउंड पर जो है ना ऊर्जा के साथ लड़के वो जो है ना पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर व्यवस्था परिवर्तन का जो है ना काम बनेंगे, जो पीछे से जो है जो काम तय कर लिया गया है उसको उसी एनर्जी के साथ जमीन पे नीचे उतारेंगे और कथनी और करनी में फर्क नहीं होने देंगे। हमें ऐसे चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त चाहिए। लिहाजा जब लोगों को आप जोड़ें तो उनकी उम्र मत देखिए, उनका तजुर्बा मत देखिए, उनका जज्बा देखिए। यदि उनमें जज्बा है तो उसको जोड़िए, उनका संकल्प होना चाहिए कि वो मेहनत करके हर दिन 9 दिन तक 10 जो है ना लोगों को जोड़ना है तो टोटल 90 लोगों को जोड़ना है, लेकिन वो 90 लोग जो है ऊर्जावान होना चाहिए, वो चंद्रगुप्त होना चाहिए, जो जमीन पर जो है ना उतारने की हिम्मत रखते हैं, औकात रखते हैं, एनर्जी लगाने के लिए तैयार हैं, वो बहाने नहीं खोज रहे हैं, राइट? क्योंकि बहाने तो मिल जाएंगे। आज ये बताइए, कभी आपको समय मिलता है क्या? आप सोचते हैं कि अच्छा ये काम जो है चलो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, फिर कहेंगे नौकरी कर लेते हैं, फिर कहते हैं चलो शादी हो जाती है, फिर कहते हैं चलो बच्चे हो जाते हैं, चलो भाई बच्चों का विवाह कर ले, फिर जो ना पोते और पोतियों में फंस जाते हैं, तो मरने तक आपको कभी समय नहीं मिलेगा, मरने तक समय नहीं मिलने वाला है। लिहाजा बहानों से छोड़िए, दूर रहिए, इसी समय में हमें पूरी एनर्जी लगाकर वी हैव टू मेक ए डिफरेंस, वी हैव टू ऐड पीपल, और जो वो जो काम कर रहे हैं उन्हें हमारे साथ सिर्फ एनर्जी लेवल पर जुड़ना है, हम उनके जो मूल कार्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं करते रहें। मुझे तो इस बात में भी दिक्कत नहीं है कि वो भाजपा के सदस्य हैं या कांग्रेस के सदस्य हैं या फलाने के सदस्य हैं, वो उसके सदस्य बने रहें, वो उस पार्टी के लिए काम करते रहें, वो उस संस्था के लिए काम करते रहें, इसमें मुझे दहले भर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वो एनर्जी लगाकर उस पार्टी का सदस्य बने रहते हुए भी यदि इसमें एनर्जी लगाते हैं और यदि वो प्रतिष्ठा पॉइंट जो है ना हासिल कर लेते हैं तो उन्हें दूसरे पार्टी का जो है ना सदस्य होते और वहाँ का कार्यकर्ता होते हुए भी और वहाँ काम करने के बावजूद भी उनको क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ना जिम्मेवारी देगा। यदि वो स्वीकार नहीं करेंगे तो उससे कम नंबर वाले वाले को दे देगा।
लेकिन उन्हें अवसर जरूर दिया जाएगा। लिहाजा हमारे उसमें किसी से परहेज नहीं करना है, किसी भी आधार पर परहेज नहीं करना है, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना प्रोफेशन के आधार पर, किसी भी उस पर कोई मतभेद नहीं करना है। हमें एक नए भारत की आगाज करना है जहाँ पर सभी लोग समान होंगे, सभी लोग समृद्ध होंगे, भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा और भारत विल बिकम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो अभी पेटेंट्स जो है ना, जो दूसरी कंट्रियां के करा रही हैं, वो पेटेंट्स वो नहीं करा पाएंगे, वो अधिकांश पेटेंट्स इंडिया की जन्म धरती से होंगे। इंडिया इज गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। यदि हम लोगों की सोच और हम लोगों की यदि एनर्जी गई तो ये आप मान के चलिए कि भारत एक समृद्ध देश भी होगा। भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के लिए से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि भारत की जो फिलॉसफी है वो बहुत सुपीरियर है, सबको साथ लेके चलने वाली है। और कौन कह रहा है कि वसुंधरा कुटुंबम, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानने के लिए तैयार है, इससे अच्छे लोग और इससे अच्छी फिलॉसफी कहाँ हो सकती है। तो भारत को तो विश्वगुरु बनना ही चाहिए, जो पूरे विश्व को अपना परिवार माने वो विश्वगुरु नहीं होगा तो और कौन विश्वगुरु होगा। राइट। तो आप लोगों की इजाजत से इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए तो हम अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं कि हम अपने से जुड़े लोगों को, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से जिनमें ऊर्जा है, जो चंद्रगुप्त हैं, हम उनके अंदर का चंद्रगुप्त जगाएंगे और कोशिश करेंगे कि 9 दिन में ही वो चमत्कार कर दें। यदि हम 9 दिन में चमत्कार नहीं कर पाते हैं, यदि हम 9 दिन की बजाय में 10 लोगों को जोड़ने के बजाय यदि हम प्रतिदिन केवल एक ही व्यक्ति को भी जोड़ते हैं, तो भी हम 9 दिन की बजाय ये काम 90 दिन में कर पाएंगे। राइट। तो 9 दिन में कोई पहाड़ हम जीत नहीं रहे हैं, 90 दिन में भी क्या दिक्कत है, 3 महीने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम जो है 2 दिन में एक आदमी भी जोड़ते हैं तो जो है हमें 6 महीने लग जाएंगे। यदि हम 4 दिन में एक आदमी जोड़ते हैं तो हमें 1 साल लग जाएगा। लेकिन यदि हमें हम निष्क्रिय पड़े रहेंगे तो हमें जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी। तो इस संकल्प से कि हम कोशिश करेंगे कि 9 दिन तक प्रतिदिन 10 ऐसे जो है ना ऊर्जा वाले लोगों को, चंद्रगुप्त को खोज के निकाल के जोड़ेंगे और हम वो चमत्कार कर देंगे। यदि किसी कारण से कहीं एनर्जी कम पड़ गई तो वो काम 9 दिन की बजाय 90 दिन में कर देंगे। यदि और कम पड़ गई तो 90 दिन की बजाय 180 दिन में कर देंगे, लेकिन जिंदगी नहीं लगाएंगे। जो बात कह रहे हैं उसको जमीन पर उतार के दम लेंगे। आओ इस संकल्प के साथ जो है इस मीटिंग को समाप्त करें और ये जो आज का संकल्प है इसका चमत्कार जो है कल का जो एडिशन है उसमें दिखना चाहिए। कल जो है जितने लोग हैं, यदि अभी 850 के आसपास हो गए हैं तो 850 के यदि 10-10 जोड़ते हैं इसका मतलब है 8500 लोग जुड़ेंगे। तो हम लक्ष्य जो है 8500 का रखें और फिर यदि 800 भी रोज आए तो भी बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर हम 90 दिन में कर लेंगे। लेकिन प्रयास तो करेंगे, कोशिश करना है कि हम चंद्रगुप्त को जोड़ेंगे और वो भी 9 दिन में जोड़ेंगे। यदि 9 दिन में नहीं जुड़ पाया तो 90 दिन में ये काम कर लेंगे। लेकिन हम ना तो हताश होंगे, ना बेबस होंगे और ना दूसरों को बेबस होने देंगे। जो परिवर्तन का हमने शंखनाद किया है उसे हम लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे और अपने देश को अपराध मुक्त भी बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाएंगे, समृद्ध भी बनाएंगे, देश को निरोगी भी बनाएंगे, दीर्घायु भी बनाएंगे और विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी करेंगे। ठीक है। तो इसी संकल्प के साथ जो है आज की मीटिंग्स को हम समाप्त घोषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।